हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइट जोन। तो आज का जो हमारा प्रोडक्ट है ये है फेरी लाइट। फेरी लाइट एक बैटरी ऑपरेटेड लाइट होती है और ये जनरली एक तार फॉर्म में आपको मिलेगी और डेकोरेशन पर्पस के लिए ज़्यादा यूज़ की जाती है। तो काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था, क्वेश्चंस किया था और आज की वीडियो बनाने के लिए रिक्वेस्ट किया था। तो आप सभी के लिए आज मैं सारी फेरी लाइट की इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूँगा। तो पहले तो मैं आपको फेरी लाइट दिखा देता हूँ क्या होती है। ये आप ये देख सकते हो, ये फेरी लाइट है। काफ़ी लोगों को पता होगा, जिन्हें नहीं पता है मैं उनको बता देता हूँ। इस तरह की फेरी लाइट आती है जो तार फॉर्म में आपको मिलेगी। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे छोटे छोटे एलईडी बल्ब दिए हैं, जो काफ़ी बल्ब दिए हैं। आप देख सकते हो इसके अंदर काफ़ी बल्ब्स हैं और इसके साथ एक डब्बी अटैच आती है। ये डब्बी के अंदर जनरली ऑन ऑफ का बटन दिया गया है और इसके अंदर सेल है। जैसे हमारी घड़ी के अंदर छोटे छोटे सेल होते हैं, उस तरह के इसमें 3 सेल लगे हुए हैं जो अप्रॉक्सीमेट 10-20 रुपये के कॉस्टिंग में मिलते हैं। तो आप इजी टू रिप्लेस है। इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको जस्ट आपको ऑन ऑफ करना है, यहाँ से आप ये देख सकते हो ऑन ऑफ का बटन दिया गया है। यहाँ पे सेल आपको चेंज करने के लिए भी एक बटन दिया गया है, आप इसको प्रेस करोगे तो ये निकल जाता है, आप आराम से सेल चेंज कर सकते हो। तो ये है इसके ऑप्शंस। और अभी आप ये जो देख रहे हो ये है 2 मीटर की, इसके अंदर दूसरी जो मेरे पास है ये है 5 मीटर की। तो ये आपको लेंथ वाइज मीटर में मिलती है। अगर आपको 2 मीटर की मिलेगी, 3 मीटर की मिलेगी, 5 मीटर की मिलेगी और मैक्स टू मैक्स 10 मीटर की लेंथ इसमें मिलती है। इससे बड़ी आती नहीं है बिकॉज बैटरी ऑपरेटेड है, ज़्यादा बड़ी बैटरी लगानी पड़ेगी। तो उस हिसाब से 10 मीटर मैक्स टू मैक्स आती है और उससे बड़ी साइज़ की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। 10 मीटर काफ़ी बड़ी हो गई, डेकोरेशन पर्पज़ के लिए इतनी काफ़ी है। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो आप 2 ले सकते हो और इसको कनेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, जैसे आपको छोड़ देनी है। तो बैटरी ऑपरेटेड लाइट है, काफ़ी अच्छा यूज़ आप इसका कर सकते हो। जनरली डेकोरेशन के लिए ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इसके बाद इसमें आपको जो तार अभी मैं दिखा रहा हूँ, आपको इस सिल्वर कलर का तार दिखा रहा हूँ, इसमें आपको एक कॉपर कलर के तार का ऑप्शन भी मिल जाएगा जो कहीं कहीं पर अवेलेबल है। आपको रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हो। तो ये तार के ऑप्शन है। इसके अलावा इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेगा। जैसे अभी मैं ये दिखा रहा हूँ, ये जनरली बॉटल्स के ऊपर लगाई आती है बिकॉज इसमें जो डब्बी दी है एक बॉटल के ढक्कन के शेप का दिया है। आप देख सकते हो जनरली पूरी लाइट्स को एक बॉटल्स में छोड़ी जाती है और ये ऊपर से नॉब को रख दिया जाता है और इसको ऑन ऑफ का बटन बार रहता है, तो ऑन ऑफ करके काफ़ी अच्छी लाइट रहती है। आपने देखा होगा काफ़ी होटल्स वगैरह में, काफ़ी घरों के बाहर कलरफुल बॉटल्स होती है, वो बॉटल्स के जैसे कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये आपको अंदर छोड़ देनी है और इसको ऑन करना है तो जो कलर की बॉटल्स रहेगी वो कलर की इफेक्ट इसमें दिखती है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी इसको अलग अलग डेकोरेशन पर्पस के लिए आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अभी हमारे इंडिया में फेस्टिवल स्टार्ट होने वाले हैं, तो जैसे गणपति अगर लोग घर पे लाते हैं, आपके घर पे भी गणपति आते हैं, तो गणपति के डेकोरेशंस के लिए भी ये काफ़ी अच्छी लाइट्स हैं। अगर लाइट का पॉइंट वहाँ पे नहीं है, लाइट आप कनेक्ट नहीं कर सकते हो, तो ये बैटरी ऑपरेटेड लाइट काफ़ी अच्छी है। इसको आप अलग अलग तरीके से इसको ओपन करके आप लगा सकते हो जैसे आपको लगाना है। और लाइट अगर घर में सारी डिम लाइट जल रही है और अगर इसको आप ऑन करोगे तो इसकी इफेक्ट काफ़ी अच्छी आती है। इसमें आपको 2 कलर के ऑप्शन मिलेंगे। एक जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये वॉर्म वाइट है, येलो कलर, और इसके अलावा आपको मल्टी कलर के ऑप्शन मिलेंगे। बाकी कोई कलर से इसमें ज़्यादा मिलते नहीं है, तो येलो कलर एंड मल्टी कलर है। मल्टी कलर भी काफ़ी कम चलता है, जनरली येलो कलर के ऑप्शंस लोग ज़्यादा प्रीफर करते हैं और येलो कलर काफ़ी अच्छा लगता है। आप ये देख सकते हो, इसको आप गाइस अलग अलग तरीके से डेकोरेट कर सकते हो। ऑनलाइन अगर आप जाओगे तो काफ़ी आपको डेकोरेशंस के ऑप्शंस मिल जाएंगे, काफ़ी पिक्स मिल जाएंगे। जनरली अभी 1-2 आइडिया अगर मैं आपके साथ शेयर करूँ, तो आपके घर में अगर आप कहीं पे भी फ़ोटो फ्रेम वगैरह लगाते हो, जैसे अगर कोई वॉल पे अगर आपने काफ़ी फ़ोटो फ्रेम्स लगाइए, तो उसके बाद आजू बाजू अगर इस तार को आप लगा दोगे और रात के टाइम पे काफ़ी लाइट्स अगर बंद है और इसको ऑन करोगे तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। और कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे आप लाइट कनेक्ट नहीं कर सकते, पॉइंट नहीं है, तो उस जगह पे आप इस लाइट का कनेक्ट कीजिए, काफ़ी अच्छा आता है। बहुत सारे अगर आपके वहाँ टेबल्स वगैरह हो गए, टीवी यूनिट होगा, तो उस जगह पर अगर आप एक जार भी रखते हो, जैसे ग्लास का जार आता है, उसके अंदर भी ये लाइट को छोड़ के रात के टाइम पर डिम लाइट की तरह भी इसको आप यूज़ कर सकते हो, काफ़ी अच्छा ऑप्शंस है। जनरली इसकी क्वालिटी अच्छी आती है, ये तार वाली जो लाइट्स है ज़्यादा जल्दी ख़राब होती नहीं है, एक अच्छी चलती है। इसमें जो बैटरीज होती है वो ख़त्म हो जाती है या ख़राब हो जाती है, तो आपको जस्ट उसको रिप्लेस करना है। तो इसके काफ़ी
काफ़ी अच्छा, आपको बार बार खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती, काफ़ी अच्छी चलती है। इसके बाद इसकी प्राइस रेंज की बात करूँ, आपको 100 रुपीज़ से लेके गाइस 600 तक मैक्स टू मैक्स आपको मिल जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा 700 रुपीज़ तक मिल जाएगी, उससे ज़्यादा इसकी प्राइजेस नहीं है। ऑनलाइन भी इजीली मिल जाएगी, ऑफलाइन भी इजीली मिल जाएगी, काफ़ी रनिंग प्रोडक्ट है, इजी टू अवेलेबल। तो अभी मैंने आपको जो दिखाया ये बॉटल्स में रखने वाली लाइट्स है। इसके अलावा आपको पेंसिल सेल लगा सको, वैसे भी ऑप्शन आता है जिसमें एक डब्बी आती जिसमें आप दो पेंसिल सेल लगा सकते हो, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हो। इसके अलावा अगर आपको ये तो USB कनेक्टर वाला भी आपको फेरी लाइट मिल जाएगी, जो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। तो ये तीन ऑप्शन अवेलेबल है, तो तीनों में से जो भी आपको सूटेबल लगता है, आपको प्रेफरेबल लगता है आपके घर के लिए, तो आप ये यूज़ कर सकते हो और ये ले सकते हो। काफ़ी अच्छी लाइट्स है, काफ़ी अच्छा रिव्यू है इसका, और डेकोरेशन पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छी लगती है। तो ये थी सारी फेरी लाइट की इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे कोई भी अगर आपको डाउट है, कोई भी क्वेश्चंस है, तो आप मुझे मेल कीजिए, कमेंट कीजिए, मैं सारे रिप्लाई आपको करूँगा। और इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहिए, तो नए नए प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन आपको इसी तरह मिलती रहेगी। तो खुश रहेगा, इस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।